ओके सो आज लास्ट लेक्चर है तो एक आखिरी टॉपिक हम करेंगे. इट वॉन्ट बी पार्ट ऑफ एग्जाम बट इसको हम डिस्कस कर लें, ये मुझे लगा कि बेहतर है. ऑल्दो मैं इसमें ज़्यादा समझे कि काम नहीं किया हुआ तो आई डोंट हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ एवरीथिंग, मगर मैं जितना आइडिया हुआ वो कन्वे करने की कोशिश कर दूंगा. और वो है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स. ठीक है, सो ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से हैं कि मैंने पहले भी दो तीन दफ़ा बताया ये चीज़ कि आजकल बहुत सारे वर्कलोड्स जो है ना उनमें आप परफॉर्मेंस गेन कर सकते हैं अगर आप सीपीयू के बजाय जीपीयू पे ऑफलोड कर लें, यानी जो गेमिंग के लिए आपके गेमिंग कार्ड्स लगते हैं उनके ऊपर आप ऑफलोड कर लें तो वो 4-5 घंटे पर आ गए. तो मतलब ये बहुत बड़ा गेन है क्योंकि इट मींस कि हमने अगले एक दो हफ्ते में काफ़ी सारे नेटवर्क्स ट्रेन कर दिए एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम उसको मैटलैब के थ्रू करते रहते तो वो काफ़ी मतलब मंथ्स में टाइम चला जाना था. सो और मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान में एक और जो दूसरा मसला है कि बिजली भी आती जाती है तो कई दफ़ा वो मंथ्स भी डबल हो जाता. ओके सो हमने वैसे जो लास्ट तो हमने खैर वो पढ़े थे मेमोरी वाली चीज़ें, लेकिन उससे पहले जो हमने कवर किए थे उनमें वेक्टर प्रोसेसर किए थे जो कि काइंड ऑफ इधर यूज हो रहे हैं, तो हम उधर से आ जाते. सो हमने ये वेक्टर्स के अंदर जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि आप एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और उससे एक पूरे वेक्टर दूसरे वेक्टर में ऐड हो जाता है. तो हम इसको अमूमन सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा भी कहते हैं कि आपने इंस्ट्रक्शन एक दी जिससे मल्टीपल डाटा पॉइंट्स के साथ ऑपरेट करके एक नया रिजल्ट उन्होंने क्रिएट कर दिया. और हमने कहा कि नॉर्मली वैसे तो प्योर वेक्टर प्रोसेसर्स जो है ना वो सुपर कंप्यूटर्स में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जो उसका एक स्केल डाउन वर्जन वो है जिसको हम मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस कहते हैं, जो कि इंटेल के यानी नॉर्मल आपके प्रोसेसर्स में भी है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में भी इवन यूज होती हैं, इनको मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस कहते हैं, जो कि आपके सिंपल एक 64-bit वर्ड को अगर आप 64-bit वर्ड यानी डबल टू डबल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप एट द सेम टाइम ये भी कह सकते हैं कि मैं इनको दो हिस्सों में तोड़ लूं और 2 32-32 के पैरेलल में मल्टीप्लिकेशन या एडिशन हो जाए. इसी तरह आप ये भी कह सकते हो कि 16-16 की में तोड़ लूं या 8-8 में तोड़ लूं. तो इफेक्टिवली अगर मैं 8-8 में कर रहा हूं तो ये मेरे पास 8 यूनिट्स का वेक्टर बन गया जिसको आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करें और बहुत सारे प्रॉब्लम इससे भी हो जाते. ठीक है, तो ये काफ़ी कहते हैं काम की चीज़ है. अभी तक जो हमने डिफरेंट तरह के पैरेललिज्म देखे हैं उनमें एक तो आ गया इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म. ठीक है, कि जिसके लिए हमने वो VLIW और सुपर स्केलर्स पढ़े थे. सुपर स्केलर हार्डवेयर में ऑटोमेटिकली खुद ही से डिटरमिन कर लेते हैं इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस और उनको पैरेलल में एग्जीक्यूट कर लेते हैं. VLIW में हमने खुद वो वाली इंस्ट्रक्शंस ढूंढी जो कि हम पैरेलल में करवा सकते हैं, एक्सप्लिसिटली खुद हमने उनको एक इंस्ट्रक्शन बना के भेजा. दूसरा है थ्रेड लेवल पैरेललिज्म, कि आप एक से ज़्यादा थ्रेड पैरेलल में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें. अगर आपके दो प्रोसेसर्स हैं तो एक थ्रेड एक पे चला जाए, एक पे दूसरे पे चला जाए, तो इसको हम थ्रेड लेवल पैरेललिज्म कहते हैं. एक डेटा लेवल पैरेललिज्म होता है कि एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशंस ऑफ सेम टाइप इन पैरेललिज्म, जिसको हम सिमडी इंस्ट्रक्शंस या वेक्टर इंस्ट्रक्शंस कह रहे हैं, कि एक इंस्ट्रक्शन दें और उससे ऑटोमेटिकली जो पैरेलल में डेटा आ जाए. सो कौन सा सबसे ईजीएस्ट है, कौन सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कौन सा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, ये काइंड ऑफ डिपेंड करता है वैसे डिफरेंट एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन में भी डिपेंड करता है. मे बी जनरलाइज्ड कंक्लूजन देना इस पर शायद आसान ना हो. अगर कोडिंग के हिसाब से सबसे इजी ये हो जाएगा कि आपने तो स्केलर कोड ही लिखा वो ऑटोमेटिकली उसने कर लिया, लेकिन एफिशिएंट क्या ये सबसे ज़्यादा है, अब ये सबसे ज़्यादा है डिफाइन करने के लिए आपको कहना पड़ेगा कि किस एप्लीकेशन की बात करें. मतलब हो सकता है किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में ये ज़्यादा इफेक्टिव हो,
لیکن کسی اور اپلیکیشن میں یہ فیکٹر نہ ہو بلکہ وہ زیادہ فیکٹر ہو. جس طرح ہم نے ویکٹر والے کیس میں دیکھا کہ ہسٹوگرام ایکولائزیشن سوری ہسٹوگرام نکالنا جو ہے اس کو ویکٹرائز کوڈ لکھنا کافی مشکل کام ہے. تو ہو سکتا ہے ویسے کاموں کے لیے شاید نارمل یہ والا کوڈ زیادہ تیز چل جائے. ٹھیک ہے, یا ورک لوڈ میں آپ کے بعض ورک لوڈز ویکٹرائز ہو جاتے ہیں, یعنی ویکٹر کی فارم میں کیے جا سکتے ہیں, بعض نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے ویکٹر پروسیسرز میں پڑھا تھا کہ بعض ویکٹر مشینز جو ہیں وہ اسکیلر کوڈ چلانے میں زیادہ بری ہوتی ہیں جب تک آپ کے ویکٹر کے سائزز کافی بڑے نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں یہ ڈفرینٹ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں. لیکن ابھی کچھ عرصے میں جو ڈیڈ لیول پیرلزم ہے نا, یہ کچھ دوبارہ اٹھنا شروع ہے. سو جو نئی اپلیکیشنز ہیں جس طرح گرافکس کی, مشین وی این کی, اسپیچ ریکگنیشن, مشین لرننگ, عموماً اس میں ایسی کمپیوٹیشنز انوالوڈ ہوتی ہیں جو کہ ہوتی ہی ویکٹر کمپیوٹیشن ہے. تو مطلب آپ وہ بڑے آرام سے ان کو آپ پیرلل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس کی بیس پہ نا جو آپ کے سم ڈی آرکیٹیکچرز ہیں یا سم ٹی آرکیٹیکچرز ہیں جس کو ہم سنگل انسٹرکشن ملٹیپل تھریڈ کہیں گے یا جی پی یوز کہیں گے, وہ زیادہ ایفیشنٹلی ان کے اوپر پورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ بیسکلی جو ہے ہینسے اینڈ پیٹرسن نے بھی پریڈکٹ کیا تھا کائنڈ آف اپنی بک میں, کہ یہ آپ کا جو ڈیٹ لیول پیرلزم ہے نا, اٹ ول اکاؤنٹ فار مور مین اسٹریم پیرلزم گروتھ دین تھریڈ لیول پیرلزم ان نیکسٹ ڈیٹ ڈیکیڈ. ٹھیک ہے, یعنی کہ بجائے کورس زیادہ ہونے کے آپ شاید ڈیٹ لیول پیرلزم پہ جانا چاہیں گے. اوکے, سو جو جی پی یوز جو تھے ان کی تھوڑی سی ہسٹری کیا تھی, کہ جی پی یوز جو ہے نا وہ بیسکلی اس مقصد کے لیے نہیں بنے تھے کہ وہ آپ کو جنرل پرپز اپلیکیشنس میں پروسیسنگ آسان کرے. ان کا مقصد اصل میں تھا کہ وہ گرافکس کو انہینس کرے. سو اگر آپ نے گرافکس کا کوئی کورس پڑھا ہو تو اس میں اگر میں نے ایک سین ماڈل کرنا ہے, تو اب سین ماڈل کرنے کا مطلب ہے کہ لیٹ سے سامنے کیمرہ لگا اور کیمرہ ایک چیز شو کر رہا ہے, تو ایک ریکٹینگل کے اندر اس نے ہر پکسل کو کیلکولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس پہ کیا کلر ہونا چاہیے. اگر وہ ساری پکسلز کا کلر نکال لے گی تو دیٹ مینس کہ وہ ایک امیج کریٹ ہو گیا, اور یہ کام پھر اس نے اوور اینڈ اوور پورے ایک ویڈیو کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے, پیچھے جو ایکچوئل ماڈل ہے وہ چینج ہو گیا, یعنی کہ لیٹ سے کہ کریکٹر ہے وہ موو کر گیا. ٹھیک ہے, تو ریئل لائف میں تو ہم اصل میں موو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن گرافکس میں آپ نے کوئی کریکٹر بنایا جو کہ موو کر گیا. موو کر گیا تو اب ادھر لیٹ سے چار لائٹس یا پانچ لائٹس لگی ہوئی ہیں, اور ایک پیچھے سے ایک دھوپ کی لائٹ سے کور ایمبینٹ لائٹ آ رہی ہے جو فلٹر ہو کے, تو آپ کسی پکسل پہ کیا کلر ہوگا, یہ کمپیوٹیشن جو ہے نا یہ بہت سارے ویکٹر ملٹیپلیکیشن کے بعد نکلتی ہے, کہ تمام لائٹ سورسز کے حساب سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ جو لیٹ سے کہ یہ اگر کیمرہ ہے اور یہاں پر وہ امیج ہے جو کہ میں بنانا چاہ رہا ہوں, تو کس اس کی پکسل پہ سے آپ اس کو بات کر کہتے ہیں رے ٹریسنگ, کہ جو رے آئے گی پہلی آبجیکٹ اس کو کیا انکاؤنٹر ہوگی, اس آبجیکٹ کا کلر کیا ہے, اس آبجیکٹ کے کلر کے بعد اس کی سرفیس کی اور کریکٹرسٹکس کیا ہیں, کیا وہ زیادہ ریفلیکٹنگ قسم کی سرفیس ہے یا وہ کورس قسم کی سرفیس ہے, اور پھر یہ سارے لائٹ سورسز بلب کدھر کدھر لگے ہوئے ہیں, سورج ہے, ایمبینٹ لائٹ ہے یا نہیں ہے, اس کے حساب سے کمپیوٹیشن ہوگی کہ اچھا ادھر سے لے کر اس پکسل سے ہو کے ادھر جو کلر اس پکسل پہ جو کلر بنے گا وہ اصولی طور پر کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس یہ ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے گرافکس میں کیا ہے, میں جسٹ وانٹیڈ ٹو گیو اے براڈر آئیڈیا کہ ہوتا کیا. اس کو ریٹ ریسنگ باسکت کہتے ہیں, آپ اس کو تھوڑا بہت جا کے خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ایسی بہت ساری کمپیوٹیشن ہے, کیونکہ اگر ایچ ڈی مووی ہے اور اس کے اندر مطلب لیٹ سے ایک سائڈ جو ہے 1024 ہے اور دوسری سائڈ جو ہے وہ 2 میگا ہے, یا مطلب تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ کا ہر فریم میں میگا پکسلس, آرڈر آف میگا پکسلس ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ کمپیوٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کمپیوٹیشن کو کرنے کے لیے نارملی سی پی یو جو تھے نا ان کو مسئلہ ہوتا تھا, اور اس اگر آپ نے ایک اچھی گیم بنائی ہے تو اس میں یہ پرابلم ہو جائے گا کہ اچھا آپ کا جی پی یو نہیں لگا ہوا اور سی پی یو صرف لگا ہوا ہے,
मतलब सीपीयू को ये सारी कैलकुलेशन करना स्लो पड़ता है और वो गेम सही नहीं चलेगी। तो जीपीयू असल में वहां से निकले कि यार इन इन कैलकुलेशंस को किसी तरह फास्ट किया जा सके। उन्होंने बहुत से पैरेलल में कोर्स लगा दी और उन कोर्स पे वो पैरेलल में ये कंप्यूटेशन हो सके, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। इस पिक्सल पे जो कंप्यूटेशन हो रही है वो दूसरी पिक्सल पे जो हो रही है वो एक्चुअली इस पिक्सल पे नहीं डिपेंडेंट, इसी के ऊपर कहीं और से रे आ रही होगी। मतलब आप इधर से अगर लाइन ड्रॉ करें और पहली जिस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करें उस वो कोई और हो, या शायद इसके साथ वाली जगह हो, उसका कलर देखें, उसके ऊपर कहाँ से शेड पड़ना चाहिए वो आप कैलकुलेट। सो ये सारे क्योंकि इनहेरेंटली पैरेलल किस्म के प्रोसेस है, सो ये पूरा प्रोसेस जो रेंडरिंग का चलता है ये करने के लिए जीपीयूज बने थे। ठीक है, तो ओरिजिनल जीपीयूज वर डेडिकेटेड फिक्स फंक्शन डिवाइसेस फॉर जनरेटिंग 3D ग्राफिक्स, और ये 90s में, लेट 90s में तकरीबन ये जीपीयूज आना शुरू हुए थे। ठीक है, सो ये फिर मतलब ओवरऑल ग्राफिक्स ये अच्छे देते थे, लेकिन उस वक्त ये प्रोग्रामेबल नहीं थे। मतलब ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर आप फिक्स किस्म का ही कुछ चीज चला सकते थे जो सिर्फ ग्राफिक्स की। लेकिन कुछ आहिस्ता आहिस्ता 2001 से 2005 तक ये तकरीबन इसमें मजीद कुछ लैंग्वेजेस डेवलप हो गई, जो कि जिसके थ्रू आप डायरेक्ट एक्स थी, जिस तरह इसके थ्रू आप जो कंप्यूटेशंस हैं वो प्रोग्राम कर सकते थे उसके ऊपर ज़्यादा। ठीक है, कुछ यूज़र्स ने ये नोटिस कर लिया कि ये जो पिक्सल शेडिंग की जो कंप्यूटेशंस हैं, ये जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा था, ये इनको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि मैंने वैसे कोई प्रोसेसिंग करनी थी तो मैं उसे पिक्सल शेडर के तौर पर किसी तरह प्रोग्राम कर लूँ। ठीक है, तो वो क्योंकि बहुत सारी कोर्स पैरेलल में लगी हैं तो वो वाली कंप्यूटेशन जो स्लो हो रही थी वो भी तेज़ हो जाएगी। तो इसको फिर हम कहते हैं बाज़कात हम कहते हैं जनरल पर्पस जीपीयूज, जीपीयूज, कि ये एक्चुअल में तो ग्राफिक्स के लिए थे लेकिन हम जनरल पर्पस कंप्यूटेशन के लिए इसको यूज करते हैं, जीपीयू बाज़कात इसको कहते हैं। सो 2006 में एनवीडिया ने जो ये किया कि कूडा लैंग्वेज रिलीज की अपने ग्राफिक्स कार्ड के साथ, जो कि बाद में एनवीडिया के अलावा भी, क्योंकि लोग ग्राफिक्स कार्ड बनाते हैं तो इंडस्ट्री में उसको जनरलाइज करके OpenCL एक और OpenCL लैंग्वेज एक बनाना चाह रहे हैं जो वेंडर न्यूट्रल हो, जो कि कोई भी, यानी कि जो कूडा में चीज़ें चल सकती हैं वो OpenCL में भी चल सके। ठीक है, सो OpenCL एक तरह का ओपन स्टैंडर्ड इसका बन रहा है, बल्कि बनना उस वक्त ही शायद बनना शुरू हो गया था, अभी तो यूज़ हो रहा होगा, कि जो कंप्यूटेशन ग्राफिक्स की है ना वो कूडा के अलावा भी की जा सके और बाकी जीपीयूज़ पे भी चल सके। ठीक है, सो आइडिया ये है कि टेक एडवांटेज ऑफ जीपीयू कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस एंड मेमोरी बैंडविड्थ टू एक्सेलरेट सम कर्नल्स फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग। ठीक है, सो आम जो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग है उस पर जो कुछ चीज़ें हैं उनको फास्ट किया जाए यूजिंग जीपीयू। ठीक है, अटैच प्रोसेसर मॉडल है। अटैच प्रोसेसर मॉडल का मतलब है कि आपका एक होस्ट सीपीयू है, जो कि आपका नॉर्मल सीपीयू है जिसके अंदर आप ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करते हैं, आप अपना सीपीयू वर्कलोड भेज देता है जीपीयू को और जीपीयू उसको कैलकुलेशन करके वापस सीपीयू को दे देता है। तो ये ओवरऑल जो है, इसीलिए ये जीपीयू लिखा भी हुआ है कि जनरल पर्पस जीपीयू कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। सो ये बेसिकली हम इसको थोड़ा बहुत टच करेंगे कूडा स्टाइल मॉडल को, लेकिन ऑब्वियसली ये पूरा कोर्स इन इटसेल्फ है, लेकिन इट्स अ गुड आइडिया और मेरा ख्याल है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ये डिस्कस होना ज़रूर बनता है। अच्छा, सो कूडा का मॉडल किस किस्म का है? ठीक है, मॉडल इस किस्म का है कि ये अब एक लूप है जो कि बेसिकली एक बेंच मार्क के अंदर का है, लेकिन ये मतलब इस किस्म की कंप्यूटेशन हम नॉर्मली कर रहे होते हैं एरेस के ऊपर। मिसाल के तौर पर ये क्या कर रहा है कि एक स्केलर को एक वेक्टर की किसी ith इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है और एक और वेक्टर में के ith इंडेक्स को ऐड करके उसी इंडेक्स पे सेव कर रहा है। ठीक है, सो यानी कि एक वाई ऑफ आई है जिसके अंदर आप एक्स का उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और वैक्टर का ith इंडेक्स ही लिया, उसमें एक स्केलर ऐड किया और इसी के साथ उसको एक्यूमुलेट करके वापस लिखवा दिया। ठीक, सो ये नॉर्मल उसका स्केलर कोड है। तो ये समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है।
ठीक है, जब आप इसका कूडा वर्जन लिखेंगे तो वो थोड़ा सा वियर्ड कोड है, ठीक है, सो जो होपफुली मैं पार्टली एक्सप्लेन कर सकूंगा, लेकिन बुरा नहीं। सो आपका होस्ट जो है ना, एक आपका सीपीयू साइड पे कोड चलेगा और एक आपका डिवाइस पे कोड चलेगा, ठीक है। सो डिवाइस पे क्या कोड चलेगा, डिवाइस पे ना बहुत सारे पैरेलल में थ्रेड्स चलेंगे, ठीक है। सो अगर मैं इसके अंदर चला जाऊं तो ये आपको सेम कोड ही लिखा हुआ नजर आ रहा है जो लूप के अंदर था, ठीक है। लेकिन जो फर्क है वो ये है कि इसका आई कहां से आ रहा है, इसका आई इसके ऊपर वाली लाइन से आ रहा है, ठीक है। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आई डिपेंड कर रहा है कि भाई कौन सा ब्लॉक था, कौन सा थ्रेड था जो चल रहा है, ठीक है, इस वक्त। यानी कि कोर्स पे मल्टीपल ब्लॉक्स मल्टीपल थ्रेड्स के ऊपर चल रहे और आई वहां से निकल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे छोटी कंप्यूटेशन पैरेलल में होना शुरू हो जाएंगी, बजाय ये कि यहां पर हम सीरियली एक एक करके प्रोसेसर के ऊपर एरे का पहला इंडेक्स उठाता है, दूसरा इंडेक्स उठाता है, तीसरा। इधर आपने बता दिया कि भाई इतने ब्लॉक्स में मैंने तोड़ दिया, ठीक है, और ये वाला ब्लॉक ये आपने उस पर भेज दिया जीपीयू के भाई पे कि इतने ब्लॉक्स एग्जीक्यूट करने हैं, इतने थ्रेड्स बनाने हैं, ठीक है। उन ब्लॉक्स और थ्रेड्स की बेस पे ये कैलकुलेट हो जाएगा कि अच्छा कौन सा ब्लॉक नंबर है और किस थ्रेड पे जा रहे हैं और इस वक्त जो डायमेंशन चल रही है, यानी कि आप कौन से वाले प्रोसेसर पे बैठे हो, ठीक है, उसके हिसाब से ये पैरेलल में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक। और ये जो आई लेस देन एन लिखा हुआ है, ये आप समझे कि वो जो हमने नहीं किया था कि जो आखिर में रिमाइंडर बच जाता है, कि मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आपने इसको कहा कि मैं 256 ब्लॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, तो 256 ब्लॉक्स में आपने लेट से एन काम किए, लेकिन जो आप एक्चुअल काम करना चाह रहे थे आखिरी वाला जो वेक्टर बनेगा वो पूरा नहीं बन रहा, ठीक है, लेट से उसका मल्टीपल नहीं बन रहा, तो आखिरी जो रिमाइंडर बचता है उसमें आपने चेक लगा दिया कि अगर एन से कम कम है, क्योंकि आपने एन तक करना था ना, एन के एन में नॉट बी अ पावर ऑफ टू, और आपने इधर पावर ऑफ टू काम किया हुआ था, तो वो जो बाकी का बचा आपने कहा कि अगर उससे नीचे नीचे है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आखिरी वाले ब्लॉक के आखिरी जो कुछ रह जाएंगे वो आप आगे उन पे एग्जीक्यूशन ना करो, ठीक, इन अदर वर्ड्स। सो वो फिर वो वाले थ्रेड्स जो है ना वो जाया जा रहे होंगे, यानी उन पे जिस तरह प्रेडिकेशन हमने पढ़ी थी उस किस्म का काम होगा, ठीक है। सो जो मेन मॉडल है कि वो आप ये अब स्लाइड इसको कह रही है कि जो हमने पूरा इसको तोड़ा है कि हमने कर क्या दिया है कि भाई हमने बहुत सारे 256 थ्रेड्स के मल्टीपल ब्लॉक्स बना दिए, ठीक है। सो जो काम किया था और हमने क्या किया, जो भी हमारे पास लेट से कि ये मैंने जो है ना 1 मिलियन टाइम्स करना था ओवरऑल काम, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने कहा कि 1 मिलियन प्लस 255 और डिवाइडेड बाय 256, ठीक है। सो इसका इससे क्या हुआ कि 256 के मल्टीपल्स में काइंड ऑफ हमने निकाल लिया कि टोटल कितने ये ब्लॉक्स चलने चाहिए, ठीक है, यानी ओवरऑल हमने 256 से डिवाइड किया, लेकिन प्लस 255 इसलिए किया हुआ है ताकि वो जो पॉइंट्स वाला हिस्सा आ रहा है ना वो वो सील हो जाए, ठीक है, सील तो समझते हैं ना कि मतलब ऊपर वाले पे राउंड हो जाए। अगर मैं दूसरा काम मैं ये कर सकता था कि 1 मिलियन डिवाइड बाय 256 फ्लोट में करता और जो पॉइंट्स वाला हिस्सा आ रहा था, अगर पॉइंट जीरो नहीं आ रहा तो फिर आप उसको ऊपर वाले पे मैप कर दें, ठीक है। उसके बजाय आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपने इंटेजर में ही करना है तो सिंपल 255 ऐड कर दो और 256 से डिवाइड कर दो तो ऑटोमेटिकली सील वाला काम हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो ये जो पिछली स्लाइड पे हमने फिर देखा कि आपके एन प्लस 255 बाय 256 ये आपके टोटल 256 के कितने थ्रेड बनेंगे, कितने ब्लॉक्स बनेंगे, ये वो बन गए, ठीक है। तो ये ब्लॉक डायमेंशन इससे निकल रही है कि कितनी ब्लॉक डायमेंशन, सॉरी ब्लॉक की एक साइड टोटल ब्लॉक एक जो है ब्लॉक वो 256 का है, वो हमने इसमें सेट किया हुआ है, लेकिन टोटल इसके कितने ब्लॉक्स बनेंगे वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि अच्छा 256 से डिवाइड कर दो, अगर 1 मिलियन था तो 256 से डिवाइड कर दो, जो भी नंबर आएगा उतने आपने ब्लॉक्स चलाने और वो ब्लॉक्स जो है ना वो अब आप इसको पास कर रहे हैं कि इतने ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जो भी ओवरऑल 1 मिलियन बाय 256 बने और आपने कहा कि यार ये 256 के ब्लॉक हैं और इनके ऊपर ये वाली कंप्यूटेशन कर दो, ठीक।
अच्छा, और वो नीचे कंप्यूटेशन चल रही है, ठीक है। तो ये उसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे ज़रा क्लियर हो जाता है कि हो क्या रहा था, कि भाई जो भी जितना भी एन थे आपने उसको 256 से डिवाइड किया और उतने ब्लॉक्स बन गए। आखिरी वाले ब्लॉक में कुछ ना कुछ, अगर 256 का मल्टीपल नहीं थे तो कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, उसके लिए हमने आई लेस देन एन वाली कंडीशन लगाई हुई थी, ठीक है। एनवीडिया जो है ना वो इसको ग्रिड कहता है, ठीक है, कि आपकी इस तरह की टू डायमेंशनल ग्रिड हो सकती है जो कि आप जीपीयू को दे सकते हैं प्रोसेसिंग करने के, ठीक है। सो जीपीयू कैसे बना होता है? जीपीयू इस तरीके से बना होता है कि उसके अंदर ना मल्टीपल कोर्स होती हैं, ठीक है। एक सीपीयू है, ये हमारा होस्ट है जिसके अंदर आपने इसको लगाया, मतलब मे भी ईसीआई एक्सप्रेस स्लॉट पे या लगा दिया, और एक सीपीयू उसकी मेमोरी है, एक जीपीयू की मेमोरी है, और एक जीपीयू खुद है, यानी और जीपीयू खुद है उसके अंदर मल्टीपल कोर्स लगी हुई है, ठीक है। इस एग्जांपल में लेट से अप टू 16 कोर्स लगी हुई है, और हर कोर के ऊपर भी फिर लेन्स हैं, ठीक है, मल्टीपल। सो जीपीयू इज बिल्ड ऑन मल्टीपल पैरेलल कोर्स, ठीक है। तो ये पैरेलल में आपके मल्टीपल कोर्स हैं, ईच कोर कंटेन्स अ मल्टी थ्रेडेड सिमडी प्रोसेसर विद मल्टीपल लेन्स बट विद नो स्केलर प्रोसेसर, ठीक है, कि आपके जो सारे जो हर कोर है ना, ये मल्टी थ्रेडेड सिमडी प्रोसेसर है जिसकी मल्टीपल लेन्स हैं मगर कोई स्केलर प्रोसेसर नहीं है, ठीक है। यानी कि ये सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा प्रोसेसर कौन सा होता है जिसके अंदर जो आपका वेक्टर काइंड ऑफ होता है, कि जिसमें आप एक इंस्ट्रक्शन दें तो मल्टीपल काम होते हैं। तो हर कोर जो है ना ये काइंड ऑफ वेक्टर प्रोसेसर है, और वो भी मल्टी थ्रेडेड है कि उस पर एक से ज़्यादा थ्रेड्स चल सकते हैं। तो ये अगर 16 कोर है तो इसके मतलब नहीं है कि 16 थ्रेड चल सकते हैं, हर कोर के ऊपर भी मल्टीपल थ्रेड्स चल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने मल्टी थ्रेडिंग में पढ़ा था ना कि एक साइकिल में एक थ्रेड, दूसरे साइकिल में दूसरा थ्रेड, तो ये काइंड ऑफ उस तरीके से चल रहा है। सीपीयू सेंड्स होल ग्रिड ओवर जीपीयू विच डिस्ट्रीब्यूट्स थ्रेड ब्लॉक्स अमंग कोर्स, ईच थ्रेड ब्लॉक्स एग्जीक्यूट्स ऑन वन कोर, ठीक है। सो आप पूरी ग्रिड ही जीपीयू पे फेंक देते हैं और वो फिर आपके जो थ्रेड ब्लॉक्स हैं वो कोर के दरमियान चल रही होती है। प्रोग्रामर जो है ना उसको बेसिकली नंबर ऑफ कोर्स का अक्सर नहीं पता होता, ठीक है। सो जीपीयू यूज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड मॉडल, ठीक है, वेयर इंडिविजुअल स्केलर इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स फॉर ईच कूडा थ्रेड आर ग्रुप टूगेदर फॉर सिमडी एग्जीक्यूशन ऑन हार्डवेयर, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इसको आप कहते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड, ठीक है। सो आपकी जो स्केलर इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स है ना अलहदा अलहदा सारी, वो आप उसको कह लो कि एक हार्डवेयर के ऊपर वो सिमडी की तरह चल रही होती है, ठीक है। तो ये आपके स्केलर हैं कि लोड किया, मल्टीप्लाई किया, वाई को लोड किया, ऐड किया और स्टोर कर दिया, ये वही वाला जो लूप के अंदर काम हो रहा था, ठीक है। लेकिन आपके ऐसे मल्टीपल माइक्रो थ्रेड्स चल रहे हैं जो कि पैरेलल में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी वही काम कर रहा है लेकिन ऑन अ डिफरेंट एक्स वाई, ये वही काम कर रहा है ऑन अ डिफरेंट एक्स वाई, ये एक और काम कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ प्रैक्टिकली आप जो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा वाला ही काम हो गया बट यूजिंग थ्रेड्स, ठीक है, क्योंकि अब आपके मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे हैं तो हर थ्रेड एक और इंडेक्स के ऊपर सेम काम कर रहा है, ठीक। तो ये वेक्टर में भी यही होता था ना कि आपके मल्टीपल इंडेक्स के ऊपर डिफरेंट काम हो रहे थे। सो जी कोडिंग इसमें कॉम्प्लेक्स, मतलब कोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन जब आप वो कर लेते हैं तो गेन आपको मिल जाता है नॉर्मली। सो ऑल वेक्टर लोड एंड स्टोर आर स्कैटर गैदर एज इंडिविजुअल माइक्रो थ्रेड परफॉर्म स्केलर लोड एंड स्टोर, ठीक है। जीपीयू एड्स हार्डवेयर टू डायनामिकली कोलेस इंडिविजुअल माइक्रो थ्रेड लोड स्टोर टू मिमिक वेक्टर लोड स्टोर। तो ये आपका जो है ना ये काइंड ऑफ क्योंकि हो क्या रहा है, ये एक्चुअल में रियल में आपके वेक्टर तो नहीं है, हो क्या रहा है कि आपने जो वेक्टर ने काम करना था वो ये करना था कि अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन देता तो वो मल्टीपल कह लो कि खुद ब खुद हार्डवेयर उसको उठा के लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने वो काम ब्लॉक्स में तोड़ दिया है कि ये वाला जो है ये किसी और इंडेक्स पे चल रहा है, ये किसी और इंडेक्स पे चल रहा है, ये किसी और इंडेक्स। तो ये जो मैं लोड और स्टोर कर रहा हूँ ये इनका एड्रेस जो है ये स्कैटर्ड भी हो सकता है, ठीक है, कि ये जरूरी तो नहीं है कि जो इस पे चल रहा है उसके एडजेसेंट इंडेक्स के ऊपर कर रहे हो। तो ये इनहेरेंटली स्कैटर गैदर वाला काम हो जाता है। स्कैटर गैदर हमने पढ़ा था ना कि वेक्टर में
کہاں سے ویکٹر اٹھانا ہے, کیا میموری میں ایڈجسٹنٹ پڑی ہوئی ہے سارے انڈیسز یا علیحدہ علیحدہ پڑی ہوئی ہیں. تو اگر علیحدہ علیحدہ پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں گیدر, لوڈ کرتے ہوئے اور اسٹور کرتے ہوئے کہیں تو اسکیٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم پھیلا رہے ہیں میموری کے اندر, ٹھیک ہے, اسکیٹر کریں. گیدر میں یہ ہے کہ آپ گیدر کر رہے ہیں رینڈملی ڈسٹریبیوٹیڈ جو جہاں جہاں پر بھی سیمپل, تو وہ اس میں آٹومیٹکلی ہو گئے کیونکہ ہر مائکرو تھریڈ انڈیویجول لوڈ اسٹور کر رہا ہے. تو اگر کر ہی رہا ہے تو آپ اس میں اگر انڈیکس جو لوڈ کا ایڈریسز ہیں وہ اگر کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسکیٹر گیدر انہیرنٹلی اس کے اندر امپلیمنٹ ہو گیا. ٹھیک, ایوری مائکرو تھریڈ ہیز ٹو پرفارم اسٹرپ مائننگ کیلکولیشنز ریڈنڈنٹلی, ایم آئی ایکٹیو, از دیئر نو اسکیلر پروسیسر ایکوئلنٹ. تو وہ جو ہم نے کائنڈ آف آئی لیس دین این لگایا ہوا تھا وہ پھر ہر مائکرو تھریڈ کے اوپر انڈیپینڈنٹلی لگا ہوا ہے آئی لیس دین این, اور وہ چیک کرتا ہے کہ میں این سے کم والا ہی تھریڈ ہوں, اگر این سے زیادہ والا پارٹ میں پہنچ گیا ہوں تو مجھے نہیں ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سوری یہ پرانی سلائڈس تھیں تو کوئز ٹو کا ریزلٹس وغیرہ کچھ نہیں. یہ میرا خیال ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے, اوپن سی ایل کے لیے شاید ڈفرینٹ ٹولز ہوں گے, ٹھیک ہے, اور جو یہ کوڈا کے لیے ڈفرینٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, ہاں, جی پی یو لگا ہو شاید, کوڈ آپ اس کے بغیر بھی کر سکتے ہو, لیکن مطلب آبویسلی پرفارمنس جو ہے وہ تبھی چیک ہوگی جب آپ اس کو جی پی یو پہ بھیجیں گے. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہو, میں نے ابھی تک کیا نہیں ہے, مطلب خود یعنی ہاتھ سے کوڈ کرنے والا کام اس پہ نہیں کیا ہوا. سلک تو اور چیز ہے, سلک ہے وہ ملٹی کورس کے لیے, اٹس ناٹ فار جی پی یو. یعنی کہ سلک ایک کمپنی تھی جو انہوں نے ایکوائر کی تھی جو کہ اس کو ایزی کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ وہ کر سکیں گے ملٹی کور پروگرامنگ جو ہے نا, اس کے بھی اپنے چیلنجز ہیں نا, کہ اگر میرے پاس پانچ کورز ہیں اور میں لیٹس سے ایک فلٹر کرنا چاہتا ہوں تو میں اس فلٹر کو کیسے 500 میں توڑوں اور آدھا آدھا کام, مطلب 1/5 آف کام ایک ایک کو دے دوں. ٹھیک ہے, آل دو ایگزیکٹلی 1/5 تو نہیں ہوتا, تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, لیکن جتنا بھی وہ سپیڈ اپ کر سکوں. تو یہ ایک مشکل کام ہے نا, مطلب اگر آپ نے آپ کے پاس زیادہ کورس لگی ہوں تو یہ تو ایک بات ہے, لیکن اس سے اپنے پروگرام کو تیز بنانے کے لیے آپ کو کوئی ایسا پروگرامر چاہیے جو ملٹی کور کو پروگرام کر سکے, تو اس کے لیے پھر اوپن ایم پی اور سلک اور اس قسم کے ٹولس تھے جو کہ ملٹی کور پروگرام, وہ اور چیز ہے, وہ اور چیز ہے, یہ ایک اور ہی چیز ہے, یہ جی پی یو کو یوز کرنے والا جو اس کے لیے کوڈا یا اوپن سی ایل یوز ہوگی اگر آپ کر رہے ہوں گے. اب تو خیر اس کی کافی سپورٹ آ گئی ہے, اب میرا خیال ہے کہ ایون آپ میٹ لیب میں کوڈ کر رہے ہوں تو وہ کچھ حصے کچھ چیزیں آپ جی پی یو ایکسلریٹڈ بھی چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایون جی پی یو کیونکہ موبائل فونس پہ بھی ہیں تو پروبیبلی آپ اس پہ بھی کچھ چیزیں جی پی یو ایکسلریٹڈ چلا سکتے ہو شاید. یہ آج کل ویسے ہم کچھ ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دو ایپس ہیں جو ذرا زیادہ ٹائم لیتی ہیں تو اس کو کسی طرح جی پی یو پہ پورٹ کر کے اگر تیز ہو سکے, لیکن آئی ڈونٹ نو ابھی ٹائم جتنا لگے گا اس کے حساب سے ہوگا. نہیں نہیں میرا نہیں خیال, خیر یہ ابھی کر کے دیکھوں گا تو پتہ چلے گا, ابھی میں اس پہ کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتا جب تک کرنا. ٹھیک, سو اگر ایف ایلس آ جائے, ٹھیک ہے, سنگل انسٹرکشن ملٹیپل تھریڈ ماڈل میں, تو وہ پھر پریڈیکیٹڈ ایگزیکیوشن ہوتی ہے. سو پریڈیکیشن یاد ہے کیا ہوتی تھی؟ پریڈیکیشن آپ کی تھی پیرلل میں, جی ہم نے پریڈیکیشن پڑھی تھی جب ہم وی ایل آئی ڈبلیو میں اسٹارٹ کی تھی, ہم نے کہا تھا وی ایل آئی ڈبلیو میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ برانچز کی وجہ سے کوڈ آپ کا پیرلل میں ہم نہیں لے کے جا سکتے, تو اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ٹریس اسکیجولنگ کر سکتے ہیں, پورا ٹریس نکال لیں کہ کون سی زیادہ فریکوینٹ پات ہے, لیکن ہم نے کہا تھا کہ کچھ برانچز جو ہیں نا وہ اس کے متعلق ہم پروفائل کر کے بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ زیادہ لائکلی ایف ہے یا زیادہ لائکلی ایلس ہے, تو پھر ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ایف ایلس کو دونوں کو پیرلل میں رن کر لیتے ہیں اور پریڈیکیٹ کر دیتے ہیں بیسڈ آن اے کنڈیشن کہ اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوئی تو یہ رن ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. سو اب ادھر بھی تقریباً وہی کام ہے کہ اگر جو ہم نے ایف لگایا ہوا تھا نا کہ تھریڈ آئی ڈی
एन से बड़ी चली गई है तो इसका मतलब है कि वो वाला हिस्सा नहीं चलेगा। तो अगर वो थ्रेड एन डी एन से चली गई है तो फिर वो आपका वो हिस्सा नहीं चलेगा, अदरवाइज चलेगा। तो इसका मतलब है कि यानी कि अगर ये इफ ट्रू होगा तो इससे बड़ी है तो स्किप कर दो, अदरवाइज आप फंक्शन कॉल करो। तो ये हर थ्रेड जो है ना रिडंडेंटली काइंड ऑफ ये काम कर रहा होगा, यानी जो एन से कम भी है वो भी ये चेक जरूर चला रहा होगा और जो एन से ज्यादा है वो भी ये चेक जरूर चला रहा होगा। ठीक है, सो ये इसमें अमूमन प्रेडिकेशन यूज होती है जब आप इस किस्म का काम ज्यादा, अगर कंट्रोल फ्लो कॉम्प्लेक्स हो जाए तो फिर आप उसको ब्रांचेस में ही कर लेते। ठीक है, सो वेक्टर को फिर ब्रांचेस में चलाना हमने देखा था कि उसमें मसला हो जाता है। ठीक है, सो ब्रांच डाइवर्जेंस का एक प्रॉब्लम आ सकता है कि हार्डवेयर ट्रैक्स विच माइक्रो थ्रेड्स टेक और डोंट टेक ब्रांच। ठीक है, और इफ ऑल गो द सेम वे दे कीप गोइंग इन सिमडी फैशन। तो हार्डवेयर जो है ना वो ये ट्रैक रख रहा होता है कि कौन सा जो इसमें से माइक्रो थ्रेड है ना वो ब्रांच करते हैं कौन से नहीं करते। ठीक है, और इफ ऑल गो द सेम वे दे कीप गोइंग इन सिमडी फैशन इफ नॉट क्रिएट मास्क वेक्टर इंडिकेटिंग नॉट टेकन टेकन नॉट टेकन। ठीक है, सो keep executing not taken paths under mass, push taken branches onto a hardware stack and execute later. ठीक है, सो ये जो है ना कि आप हार्डवेयर या ट्रैक कर रहे हैं कि अगर आपकी ब्रांचेज आई है ना तो कौन कौन सा माइक्रो थ्रेड ब्रांच कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। ठीक है, सो अगर लेट्स से उनमें से कुछ ब्रांच कर रहे हैं तो उनको मास्क कर दें। ठीक है, और जो नई ब्रांच कर रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। जब मास्क करेंगे तो जो ब्रांच कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली मास्क हो गए तो वो उनकी एग्जीक्यूशन नहीं चली। ठीक है, उनको आप स्टैक पर पुश करते रहे। ठीक है, और जब ये वाला काम पूरा कंप्लीट हो जाए तो जो स्टैक पर पुश किए हुए थे जो टेकन वाले थे उनको इकट्ठा चला दें। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप थोड़ा सा ब्रांच को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अच्छा आज हमने क्विज भी लेना था। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हम इधर रुक के ना पहले क्विज कर लेते। ठीक है, तो क्विज के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसकी जो बाकी हाफ आधी तकरीबन स्लाइड्स हो गई हैं बाकी कवर, वो फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह एक कोर्स का ओवरऑल एक रिव्यू सा करके और साथ हम उसकी कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे लास्ट असाइनमेंट थी उसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जो एग्जाम्पल ठीक है यहाँ पर, और हमने कहा था कि ये मतलब जीपीयू का मॉडल इस तरह का है कि अगर आपने लेट्स से एक सिंपल लूप है जो कि दो एरेस के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है, और तो जब हम जीपीयू पे जाएंगे तो हम उस पूरे ऑपरेशन को हमने ब्लॉक्स में तोड़ दिया और हर ब्लॉक के अंदर जो है ना लेट्स से हमने 256 माइक्रो थ्रेड बना दिए। यानी कि अगर मैंने एज एन एग्जाम्पल कहा कि अगर एक मिलियन की एरे है तो एक मिलियन डिवाइड बाय 256 कर देंगे तो 256 ऑपरेशंस डिफरेंट एरे एलिमेंट्स पे हो रहे और वो हर एलिमेंट इज अ माइक्रो थ्रेड। ठीक है, तो जब आपने एक हिस्सा आपने चलाया अपने सीपीयू पे जिस पे आपने बता दिया कि यार इतने ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक 256 का है और उसने इन वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेट करना है। ठीक है, कि ए इंटू एक्स प्लस वाई करके आपने ऑपरेट करना है और वो जो एन है ना ये आपका टोटल जो इटरेशन साइज था वो आपने बता दिया। तो नीचे जो जीपीयू पे कोड चल रहा है उसमें आपने ये फिर फंक्शन इम्प्लीमेंट करना होगा। उस फंक्शन में आपने कह दिया कि यार ये पूरा पैरेलल में चलेगा और उसमें ब्लॉक आईडी और थ्रेड आईडी की बेस पे हर कोर डिटरमिन हो जाएगी कि किस के कितने कौन सा वाला थ्रेड है। ठीक है, तो आपके बेसिकली इस केस में 256 इनटू जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स बने थे उतने थ्रेड बन जाएंगे और हर थ्रेड जो है ना एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ए से दूसरे में ऐड करके लिखवा रहे। तो इसको हमने कहा कि ये हमारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स और बन गए, मतलब बेसिकली आपने बहुत सारी एरे एक बड़ी सी एरे थी जिस या दो बड़ी सी एरे थी
एक के हर एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई करके दूसरी में ऐड करके उसी में लिखवा देना था, ठीक। सो वो जो हर एक काम था उसको, बहुत सारे कामों को हमने तोड़ दिया ब्लॉक्स में, और उसके अंदर हर ब्लॉक के अंदर 256 थ्रेड, तो ये कोर हमारा था। और इवेंचुअली ये किस पे मैप होगा, ये जीपीयू पे जाके चलेगा। तो ये आपके जितने भी पैरेलल में थ्रेड्स चल रहे हैं जो कि एक एरे एलिमेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो जाके इवेंचुअली किसी जीपीयू पे चलेंगे जिस पे मल्टीपल कोर्स लगी हुई है। हर कोर्स के ऊपर मल्टीपल लेन्स हैं जिसके ऊपर आप वेक्टर काइंड ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, और जो कि मल्टी थ्रेडेड है, ठीक है। सो ये आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड मॉडल कहलाता है, ठीक है। सो कूडा में 32 कूडा थ्रेड्स जो है ना, उनको एक वॉर्प कहते हैं जिसको आप स्केड्यूल करें, और मल्टीपल वॉर्प्स जो है एट द सेम टाइम स्केड्यूल हो सकते हैं, ठीक है। सो और फिर हमने इसकी एक दो एग्जांपल्स देखी कि मसला ये होगा कि जो जो आप लोड स्टोर कर रहे होंगे, हमने कहा कि वो स्कैटर गैदर उसके अंदर इनहेरेंट है, क्योंकि हर थ्रेड अपना इंडिविजुअली लोड कर रहा है और फिर ऐड करके फिर स्टोर करवा रहा है, तो वो क्योंकि उनके एड्रेसेस डिफरेंट हो सकते हैं, तो अगर उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो बेहतर है कि वो ज़्यादा स्कैटर्ड ना हो, क्योंकि अगर क्लोज क्लोज होंगे तो वो एज अ चंक रीड हो सकेंगे पीछे से, जिस तरह वेक्टर में होता है कि एक पहला रीड हो गया, दूसरा रीड हो गया, तीसरा, तो वो उसको हम क्लस्टरिंग बास्केट कहते हैं कि इकट्ठा कर दें मल्टीपल लोड स्टोर को और एक बल्क उठा दें, ओके। और दूसरा मसला आता है ब्रांचेस का, कि ब्रांचेस में हमने कहा था कि हम एक तो प्रेडिकेटेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कि अगर छोटी ब्रांच है तो आप उसको प्रेडिकेशन कर दें कि यार आधा इफ एल्स जो है ना वो पैरेलल में एग्जीक्यूट हो जाए, अगर एक चल रहा है तो दूसरा नहीं चला, दूसरा चल रहा तो पहला नहीं चला। और जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस हैं उनको ब्रांच ही करें, लेकिन उसमें हमने कहा कि ब्रांच में एक जब एग्जीक्यूट करेंगे तो मसला ये है कि जब आप पैरेलल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एक थ्रेड हो सकता है ब्रांच में चला जाए, एक ब्रांच में ना जाए, ठीक है, एक इफ में चला जाए एक एल्स में चला जाए। तो उसमें हमने कहा कि फिर हम ये करते हैं कि ब्रांच करते हुए मास्किंग कर लेते हैं, ठीक है, कि आप मास वेक्टर बना लेते हैं और जो ब्रांच में नहीं जा रहे लेट से उन सारे थ्रेड्स को चलाते रहें, और जो चले गए हैं उनको मास्क करके चला दें, ठीक है, लेकिन साथ ही उनको एक स्टैक पर पुश कर दें कि ये जो है ना ये भी जो टेकन वाला पाथ है ये एग्जीक्यूट होना है जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसमें फिर एक इशू बनेगा कि रीकन्वर्ज कब करेंगे, क्योंकि ये इफ जब कंप्यूट हो जाएगा तो तब आपको उसका एल्स कंप्यूट करना चाहिए पहले, और उसके बाद दोबारा कन्वर्ज करके इनको इकट्ठा चला देना चाहिए, तो ये वाला काम इसके अंदर हो। सो वॉप्स जो है ना, वो जो 32 माइक्रो थ्रेड्स थे इसको वॉप कहते हैं। ये बेसिकली एक हार्डवेयर के अंदर ये एक सिंगल थ्रेड होता है कि 32 माइक्रो थ्रेड्स मिलके एक थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, जो चलेगा। और मल्टीपल वॉप थ्रेड्स आर इंटरलीव्ड इन एग्जीक्यूशन ऑन सिंगल कोर टू हाई लेटेंसीज। सो ये जो वॉप्स है ये इंटरलीव होकर चल रहे होते हैं, जिस तरह हमने फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग में पढ़ा था ना कि लोड किया फिर एड किया फिर सेव किया, तो अब अगर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो आपको या तो इंटरलॉक्स करना होता है या बायपास करना होता है, तो आप या दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इंटरलॉक या बायपास ना करें, बल्कि एक थ्रेड एक साइकिल में एक थ्रेड चले, अगले साइकिल में दूसरा, अगले साइकिल में तीसरा, अगले साइकिल में चौथा, तो उससे ऑटोमेटिकली लेटेंसी हेड। तो ये वो वाली चीज हो रही है कि जो मल्टीपल वॉप थ्रेड्स हैं वो इस तरह से इंटरलीव किए होते हैं कि लेटेंसी ऑटोमेटिकली उसके अंदर हेड हो जाए, तो आपको एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगाने की जरूरत नहीं इंटरलॉक्स या क्या लेंगे बायपास का, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैरेलल में वर्कलोड रखा हुआ है, तो आपको ऐसे थ्रेड्स मिल जाएंगे जो कि फिल इन करें। अ सिंगल थ्रेड ब्लॉक कैन कंटेन मल्टीपल वॉब्स, एक थ्रेड ब्लॉक में एक से ज्यादा वॉब्स भी हो सकते हैं, अप टू 512 माइक्रो थ्रेड्स कूडा में हो सकते हैं जो कि एक कोर पे चल रहा, ठीक है, और फिर ऐसी मल्टीपल कोर होंगे, ठीक है। सो बहुत सी कोर हैं, हर कोर पे मल्टीपल वॉब्स आ सकते हैं, हर वॉब जो है ना वो 32 माइक्रो थ्रेड्स का है, तो मैसिवली थ्रेडेड आर्किटेक्चर ये बन जाता है इवेंचुअली, ठीक है। कैन हैव मल्टीपल ब्लॉक्स एग्जीक्यूटिंग ऑन वन कोर, सो आपके वॉब्स जो है वो मिलके ब्लॉक्स बना रहे हैं, ब्लॉक्स जो है वो भी मल्टीपल जो है ना वो एक कोर के ऊपर चल सकते हैं, और ऐसी कोर्स भी मल्टीपल हैं, तो ये काइंड ऑफ काफी मैसिव आर्किटेक्चर बन सकते हैं। सो मेमोरी किस तरह से अरेंज होती है कि हर थ्रेड की एक तो प्राइवेट मेमोरी होती है, ठीक है, जो कि सिर्फ उस थ्रेड के लिए एक्सेसिबल है, फिर थ्रेड्स का ब्लॉक बनता है तो उनकी एक शेयर्ड मेमोरी भी होती है, ठीक है,
और फिर ऐसे थ्रेड्स ब्लॉक्स की एक ग्रिड बनती है, तो उनकी फिर पर एप्लीकेशन मेमोरी होती है कि भाई एक एप्लीकेशन चल रही है, फिर आप कॉन्टेक्स्ट स्विच करके दूसरी एप्लीकेशन में जाएं तो उनकी अपनी मेमोरी होगी, तो इस तरीके से मान लो। सो बेसिकली सिमटी जो है ना, उसमें आपको इल्यूजन इस चीज़ का मिल रहा होता है कि आपके मैनी इंडिपेंडेंट थ्रेड्स चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको वाकई एफिशिएंटली चलाना चाहते हैं, तो हमने जो पीछे दो मसले पढ़े कि जब आप स्कैटर के अदर को जितना अवॉइड कर सके उतना बेहतर है, क्योंकि उससे फिर आपकी मेमोरी क्लस्टरिंग हो सकेगी कि इकट्ठे चंक में जो लोड्स होंगे वो आपके काम के हो जाएंगे। और दूसरा, आप ब्रांच डाइवर्जेंस को अलाउ कर सकें जितना, कि ब्रांचेस मिनिमम हो, ठीक है, तो उतना अच्छा है। अदरवाइज क्योंकि ब्रांच जब डाइवर्ज होगी, यानी कि इफ चला और एल्स चला, तो ये मास्क होके चलेगा, तो इसका मतलब है वो प्रोसेसिंग रिसोर्सेज आया जा रहे हैं, ठीक है, या प्रेडिकेटेड भी चला तो प्रोसेसिंग रिसोर्सेज आया जा रहे हैं। तो अगर वो ब्रांच अवॉइडेबल है तो वेल एंड गुड, ऑब्वियसली देयर विल बी सम केसेस जहां पे अवॉइडेबल नहीं होगी, तो वहां पर आप मास्क कर लें, लेकिन अगर अवॉइड कर सकें तो अच्छी बात, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारा एक और एनवीडिया का ही प्रोसेसर है, जो कि आइडिया देता है कि आजकल की जीपीयू कितने स्ट्रांग है। सो ये जो ग्रिड है ना, ये मल्टीपल, अब आपके चार समझे कि डिफरेंट ग्रिड्स हैं जिन पे चार चार आपकी सिस्टम लगे हुए हैं, जिनके अंदर ये जो हर स्क्वायर है ना, दिस इज वन कोर, ठीक है। सो ये आपका कितने बन जाते हैं, 1, 2, 3, 4 16 ये, और 16 के अंदर जो है ना 4 × 8 32 कोर्स जो है ना, वो मतलब 16 × 32 कोर्स आपके इस एक जीपीयू के ऊपर। हाँ, तो ये जो जी पावर कंजम्पशन भी ऑब्वियसली उनके हिसाब से होती है, ठीक है। तो जब आप मैसिव स्केल पे जाते हैं तो आपका एक वेरिएबल यही बन जाता है कि परफॉर्मेंस पर वॉट कितनी आ रही है, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली ये जिस क्लॉक पे चल रहे होंगे वो मतलब नोन होता है कि ये इतने पे मैक्सिमम चल सकता है, और आप फिर उसके हिसाब से चला रहे, ठीक है। और इसकी जो हर कोर है, ये अब बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें से जो एक कॉलम है, ठीक है, ऐसे 16 लगे हुए हैं, तो ये एक कॉलम जो है ना उसके अंदर 32 कोर्स मैंने आपको बताया कि लगेंगे, तो 16 × 32 कोर्स है। और ये जो सिंगल कोर है ना, इसमें फिर आपका मतलब इसके ऊपर आपके एक डुअल बॉब स्केड्यूलर लगा हुआ, जो कि इंस्ट्रक्शन पुश कर रहा है इसके अंदर, दो यानी डुअल इशू हो रही है आपकी इंस्ट्रक्शन। और रजिस्टर फाइल जो है ना वो 32,000+ है × 32 bit, ठीक है। सो मतलब सही बड़ी रजिस्टर फाइल है, जो कि 32K रजिस्टर्स हैं इसके अंदर, इन अदर बिट्स, ठीक। और फिर हर कोर जो है ना, उसमें फिर एक फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट लगा हुआ है और एक इंटीजर यूनिट लगा हुआ है, और ऑब्वियसली ऑपरेंड फेच और उसके रिजल्ट्स की स्टेज है। और ये जो ऊपर डिस्पैच यूनिट लगे हुए हैं ना, ये फिर अगली स्लाइड पे हमारा इनका है कि ये आपके दो वॉप स्केड्यूलर पैरेलल में लगे हुए हैं, जिससे इंस्ट्रक्शन डिस्पैच होती है। और फिर दो आप समझेंगे टाइम में, ये दिखाया हुआ कि दो इंस्ट्रक्शंस पैरेलल में आगे जा रही है, डिस्पैच हो रही है, जो कि डिफरेंट वॉप्स और की डिफरेंट इंस्ट्रक्शन हो सकती है। जिस तरह इधर वॉप 8 की इंस्ट्रक्शन 11 और वॉप 9 की इंस्ट्रक्शन 11 चल रही है, अगले में वॉप 2 और 3 की चल रही है, 14, 15 की, बाद में 12 और 9 की, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो दो डिफरेंट वॉप्स की डिफरेंट इंस्ट्रक्शन लेकिन चलेंगी एक एक करके, ठीक है। यानी कि वॉप 8 की इंस्ट्रक्शन 11 चली है, उसके बाद वॉप 8 की इंस्ट्रक्शन 12 आएगी और 13 आएगी, तो हर वॉप की एक एक इंस्ट्रक्शन आपकी आगे चल रही, ठीक। सो काइंड ऑफ यानी कि इसका आर्किटेक्चर जो हो गया, ये मल्टी थ्रेडेड भी है, ठीक है, जो समझे कि फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग चल रही है वॉप्स के दरमियान, ठीक है। और फिर ऐसी बहुत सारी कोर्स हैं, मतलब बहुत सारी कोर्स के ऊपर मल्टीपल वॉप्स ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो ऐसा वर्कलोड है जिसमें आप मतलब बड़े बड़े वेक्टर्स के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कि इंडिपेंडेंट से हैं एक दूसरे से, एक दूसरे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं, वहाँ पर ये बहुत अच्छा स्केल हो जाता है, जो कि अक्सर मशीन लर्निंग में और ये जो इमेज प्रोसेसिंग की या ग्राफिक्स की कुछ कंप्यूटेशंस में ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। सो आजकल दूसरा एक और काम हो रहा है कि एक तो ये जीपीयू सेपरेट आप लेकर लगाते हैं, और एक ये है कि ऑन चिप जीपीयू का भी
आ गया, जिस तरह ये आईपैड जो था वेरिएंट 3, उसमें आपके मल्टीपल जीपीयूज जो है ना वो जीपीयू कोर्स चिप के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। सो वो क्योंकि डिस्प्ले की क्वालिटी आप अच्छी से अच्छी करना चाह रहे होते हैं तो उसमें फिर जीपीयूज जो है ना वो काम आते हैं, ठीक है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे, ठीक है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्रे 2 में भी काइंड ऑफ इस किस्म का आर्किटेक्चर था, और क्रे 2 जो था उसके अंदर एक फोरग्राउंड और 4 बैकग्राउंड वेक्टर प्रोसेसर लगे हुए थे जो कि किसी हद तक यही काम कर रहे थे, लेकिन ये उस वक्त का समझे कि सुपर कंप्यूटर था जो कि जिसके अंदर ये काम चल रहे थे, ठीक है। फ्यूचर क्या है जीपीयू का कि जो नॉर्मली आपके हाई एंड डेस्कटॉप्स हैं तो उसमें तो आप जीपीयू की अलग चिप लगा देते हैं, ठीक है, और लेकिन अभी ये ट्रेंड आ रहा है कि आप जीपीयू उसी चिप के ऊपर इंटीग्रेट कर दें। ऑन चिप और ऑफ चिप होने का जैसे कि मैं स्टार्ट में ही बता चुका हूं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जब चीज ऑन चिप होती है ना तो आप उस पर हायर बैंडविड्थ अचीव कर सकते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, ठीक है। यानी अगर ये ऑफ चिप है या एक अलहदा से कार्ड लगा हुआ है पीसीआई एक्सप्रेस पे, तो तब आपका सीपीयू एक पूरा वर्कलोड उसको भेजेगा, उसकी मेमोरी में लिखवाएगा, वो उसके ऊपर सारी कंप्यूटेशन करके रिजल्ट मेमोरी में लिखवा के सीपीयू को बताएगा और सीपीयू मेमोरी से जाकर दोबारा रीड करेगा। लेकिन अगर ऑन चिप है तो ये वाली जो ट्रांजेक्शन है ये ज्यादा स्पीड पे हो सकती है, क्योंकि उसी चिप के ऊपर आप सेम क्लॉक के फास्ट क्लॉक के ऊपर चीजें एक दूसरे के ऊपर भेज सकते हैं। ऑफ चिप अगर हो जाए या एक अलहदा से बोर्ड हो जाए, अब आपको उसका जो इंटरफेस है वो पीसीबी के ऊपर जब जाएंगे तो आपका क्लॉक रेट की कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं और वो फिर इतना ज्यादा स्पीड पे नहीं किया जा सकता, ठीक। सो ऑप्शन दोनों तरह के हैं, जिस तरह हम आईपैड वाली जो एग्जांपल की उसमें ऑन चिप है, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मली आप डेस्कटॉप पे यूज कर रहे होते हैं वो फिर एक ऑफ चिप, एक अलहदा चिप है, ठीक है। ऑफ चिप से मतलब है कि आपकी सीपीयू चिप पे के ऊपर नहीं जीपीयू लगा हुआ, बल्कि जीपीयू की या अलग चिप है या अलग आप उसके ऊपर पीसीबी लगाएंगे, तो मैं उसको ऑफ चिप कह रहा हूँ, ठीक। सो ये ना हो कि आप ऑन ऑफ वाला ऑफ समझ, हाँ तो ये ओके। सो जब ऑन चिप जीपीयू बनाए तो उसका एडवांटेज यही है कि वो शेयर्ड मेमोरी होगी, तो आपको सीपीयू को अलहदा से वो उस जीपीयू वाली मेमोरी में जाकर नहीं लिखवाना पड़ता, बल्कि जिस मेमोरी में आपने लिखा हुआ उसी से ही जीपीयू भी उठा लेते। लेकिन नुकसान ये है कि जीपीयू पे जनरली फिर अगर अलहदा जीपीयू हो तो आप वो ऐसी रैम लगा देते हैं जिसकी थ्रूपुट थोड़ी ज्यादा हो, ठीक है, जो कि जीपीयू डी रैम जिसको हम कहते हैं, ग्राफिक्स डी रैम कहते हैं, ठीक है। सो वो थोड़ी सी ज्यादा थ्रूपुट वाली पैरेलल में ज्यादा चिप्स लगा देते हैं आप और उनके थ्रू आप बात कर सकते हैं। तो जब आप ऑन चिप करेंगे तो फिर आप ऑब्वियसली उस वाली रैम को नहीं यूज कर रहे होंगे बल्कि नॉर्मल रैम को यूज कर रहे होंगे। सो अभी क्या होगा फ्यूचर में, ये आप देखने वाली चीज है कि क्या फ्यूचर में जीपीयू सर्वाइव करेगा, जीपी जीपीयू या सीपीयू में डाटा लेवल पैरेललिज्म इतना आ जाएगा कि आपको जीपीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन सेम डाय जीपीयू सीपीयू एंड जीपीयू जो है उनकी एक ही बैंडविड्थ होगी ऑलमोस्ट, जीपीयू जो है उसमें फ्लॉप्स आपको ज्यादा मिल जाते हैं क्योंकि वो ग्राफिक्स के लिए आपको चाहिए ही होते हैं। सो दैट्स इट, ये हमारा आखिरी टॉपिक था जो कि मैंने बता दिया कि एग्जाम का पार्ट नहीं है, बट इट्स देयर कि आपको मेरे ख्याल में इतना आइडिया में होना चाहिए ताकि कल को जो भी मूव करना चाहे यू शुड एटलीस्ट हैव दिस आइडिया कि अगर आपने कोई कंप्यूटेशन इंटेंसिव काम करना है तो उसका चीप सोल्यूशन अवेलेबल है, मतलब जीपीयू इज नॉट दैट कॉस्टली, लोअर एंड के जो है 20-25 हज़ार रुपये के भी आ जाते, ठीक है। सो आप जिस लैब में हैं आप उसमें एक आध मंगवा के कुछ वर्कलोड्स पे एक्सपेरिमेंट उस पर भी कर सकते हैं। हमने भी मैं भी जो जिसकी एग्जाम्पल दे रहा था कि हमने अपना जो 3 दिन वाला काम था वो 6 घंटे या 5 घंटे तक ऑप्टिमाइज हो गया था, वो इसी तरह का एक चीप सा 20-25 हज़ार वाला जीपीयू था। और ऑब्वियसली आप जीपीयू उसके क्लस्टर लगा सकते हैं, अगर आपका बजट थोड़ा बड़ा है तो आप 1-2 लाख रुपए लगा के एक क्लस्टर बना सकते हैं और एक कंप्यूटेशन इंटेंसिव काम उसके ऊपर कर सकते हैं सस्ते में, एज कम्पेयर टू कि आप $1 मिलियन का एक सुपर कंप्यूटर खरीदें, ठीक है। सो मतलब इस किस्म के, तो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग जिसमें ज़्यादा
جو انہیرنٹلی ایسی اپلیکیشن ہے جس میں پیرلزم آپ کے خیال میں آ سکتا ہے، جو کہ آپ اپلیکیشن کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے، مطلب کہ اس میں کتنی کیا کیا آپریشنز ہو رہے ہیں وہ عموماً ہمیں پتا ہوتا ہے. جی آپ جس کے ساتھ بھی کمپیئر کر لیں، ملٹی پروسیسر سسٹم جو ہے اس کے ساتھ کمپیئر کیسے کریں گے، مطلب کہ کون سا پرفارمنس میں بہتر ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ، یہ ڈپینڈس کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا آپ جنرل پرپز کمپیوٹنگ کے لیے دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ جنرل پرپز کمپیوٹنگ کے لیے تو آبویسلی جی پی یو، مطلب اگر میں آرم ڈیسک ٹاپ کی مین پروسیسنگ جی پی یو پہ نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے، ڈیسک ٹاپ کے ساتھ آن چپ جی پی یو اس لیے آ رہے ہیں کہ گرافکس کو آپ اچھے طریقے چلا سکیں، ٹھیک ہے، گرافکس کو اچھے، مطلب مثال کے طور پر آپ کے آج کل ریزولوشنز جو ہیں وہ امپروو ہوتی جا رہی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اگر بہت ہائی ریزولوشن پہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ ایک جی پی یو کو پروسیسر ہو جو کہ جو پکسل سے ریلیٹڈ کام ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن جو نارمل کام کرنے ہیں اس کے لیے اسٹل آپ شاید سپر اسکیلر ہی چل رہے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے، تو یہ، لیکن اب اگر آپ کوئی اسپیسیفک اپلیکیشن کے لیے کام کریں دین گو فار جی پی یو میں بھی، ٹھیک ہے، دیکھ لیں کہ وہ ورک لوڈ کیسا ہے اس کا، ٹھیک ہے. اوکے سو یہاں پہ رکتے ہیں، اور میرا خیال ہے جتنا ہمارے پاس ٹائم بچا ہے آئی وانٹ